सफलता मिले, श्वास परीक्षा पूर्ण हो जाए। अभी जो पिछले क्रम का प्राणायाम हमने चर्चा किया था वो अनुलोम विलोम का किया था, अनुलोम विलोम पर हमने सारी चर्चाएं की थी कि क्यों रोकना है, क्या करना है, कैसे करना है। संभवतः रेखा जी यहाँ नहीं है हमें लग रहा है, तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, लेकिन वो होंगे तो प्रश्न का जवाब ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मैं हूँ गुरु जी, मैं हूँ। अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका दो प्रश्न था उसमें जो आपने भेजा था खास तौर पे। एक प्रश्न था कि बाह्य कुंभक का प्रयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है ना जी जी, उसके क्या, हाँ उसके फायदे क्या है। देखिए, मैंने जो चर्चाएं की थी उस चर्चाओं में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुंभक की महत्ता एक ही किस्म से होती है कि उसमें ड्यूरेशंस मिलते हैं, वक्त मिलता है ताकि श्वास की एक्सचेंज प्रोसेस हो सके। अंतः कुंभक की महत्ता क्या है कि जब श्वास भरकर रोकते हैं तो उसमें वक्त मिलता है जिससे एक्सचेंज प्रॉपर हो पाता है। बाह्य कुंभक की महत्ता क्या होगी, वहां पर अब श्वास आप निकाल चुके हैं, खाली हो चुका है, कोई श्वास नहीं है, और उसके बावजूद भी आप रोके हुए हैं, तो अब क्या होगा। अब ये होगा कि जो सेल सोए हुए हैं, सुप्त हैं, जगह नहीं है, सोए हुए हैं, नॉर्मल एक्टिविटी में सोया पड़ा है, लेकिन जब बाह्य कुंभक लग जाएगा और श्वास नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो लोग एक्टिव होंगे। जैसे उदाहरण से आप ऐसे समझिए कि अगर हमने आपके नाक और मुंह को बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो जैसे ही बंद किया तो कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगेगा आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा, आपकी परेशानियां शुरू हो जाएगी, अनकंफर्ट शुरू होना लगेगा, और हम उस स्थिति तक लेकर चले जाए आपके नाक और मुंह को बंद करके कि आप अब आपकी जीवन और मृत्यु के बीच आप आ गए। और अगर जीवन और मृत्यु के बीच अगर आप आ चुके हैं तो फिर क्या करेंगे, अपनी अधिकतम शक्ति का प्रयोग करेंगे, जो शक्ति आपको भी नहीं पता। जैसे हनुमान जी को पता ही नहीं था कि वो लंका पहुंच सकते हैं, वो समंदर को पार कर सकते हैं, तो जब उन्हें शक्ति का बताया गया, बोध करवाया गया, तब उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वैसे ही जब जीवन और मृत्यु के बीच आता है तो हम अपनी अंतिम क्षण तक की जो आखिरी शक्ति है उसका उपयोग कर देते हैं, यानी जो सेल सुप्त पड़े हैं वह भी जागृत हो जाते हैं। तो बाह्य कुंभक का सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो सुप्त सेल को एक्टिवेट करने का प्रयोग मूल रूप से बाह्य कुंभक के रूप में रखा गया है। अंतः कुंभक का प्रयोग ऑक्सीजन इनटेक या ऑक्सीजन एक्सचेंज प्रोसेस प्रॉपर हो सके, इसलिए अंतः कुंभक का प्रयोग रखा गया। तो बाह्य कुंभक का प्रयोग इसीलिए तभी प्राणायाम पूर्णता में आता है, और तभी पूरी एनर्जी जो जनरेट होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि जो सेल सुप्त भी पड़े हैं वह भी जागृत होंगे, और जो जागृत होगा वह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएगा जिससे वह ज्यादा एनर्जेटिक होगा। और जब शरीर के अंदर सारे सेल पूरी तरह सजग रहे, जागरूक रहे और पूरी ऑक्सीजन इनटेक करें, तो शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की रेजिस्टेंस, शरीर की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो बाह्य कुंभक का महत्व इसी बात से है, इसीलिए आपका जो प्रश्न था ये कि बाह्य कुंभक का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है, तो ये बात मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आपका बाह्य कुंभक इंपॉर्टेंट है ताकि आपके सुप्त सेल जागृत हो सके। एक प्रश्न तो आपका ये था, एक प्रश्न और था आपका कि अनुलोम, हाँ, बाह्य कुंभक में श्वास अंदर नहीं होता है तो ये हाई बीपी में कैसे नुकसान करता है। ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, शरीर एक नॉर्मल प्रक्रिया में है। अब जिनकी बीपी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जिसको हमेशा कोई एफर्ट नहीं चाहिए, कोई बल नहीं चाहिए, अगर बल कहीं भी लग जाएगा, ये सिर्फ बाह्य कुंभक की बात नहीं है, ये किसी भी कुंभक की बात है। अंतः कुंभक भी करेंगे तो भी समस्याएं पैदा हो जाएगी, तो भी बीपी सूटअप हो जाएगा, बाह्य कुंभक है तो भी बीपी सूटअप हो जाएगा, ज्यादा ओवर वर्क कर देंगे तो भी बीपी सूटअप हो जाएगा। तो जब भी, क्योंकि शरीर एक रेगुलर हैबिट में नहीं है, उसकी इरेगुलरिटी हो गई है, उसके अंदर समस्याएं पैदा होंगी जिसके कारण, इसलिए उसको सिंक्रोनाइज होना बड़ा जरूरी। इसीलिए खास तौर पे आपने देखा होगा कि जब भी प्राणायाम का प्रयोग करवाते हैं या कोई वैसा प्रयोग होता है जहां श्वास रोकने की बात आती है, चाहे वो बाह्य कुंभक हो चाहे वो अंतः कुंभक हो, तो हम ये बार बार हमारे शिक्षक बार बार आपको कहते हैं कि जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, वो जबरदस्ती और बल प्रयोग ना करें, क्योंकि बल प्रयोग भी होगा वहां एफर्ट ज्यादा लगेगा, और ज्यादा एफर्ट होगा तो बीपी अपने आप सुटअप हो जाएगी, चाहे वो अंतक कुंभक हो या बाह्य कुंभक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफर्ट ज्यादा हो जाए, एफर्ट मतलब काम भी, अगर सीढ़ी पे भी 10-20 बार ऊपर नीचे कर जाइए
तो वहां भी बीपी बढ़ जाएगी, क्योंकि एफर्ट जहां होगा वो हार्ट बीट रेट बढ़ेगा और उससे बीपी, क्योंकि बीपी का प्रकृति आपकी बनी हुई कि बीपी तेज है, तो जब तेजी से और गतिशील हो जाएगा तो किडनी को फेल्योर कर सकता है, हार्ट अटैक करवा सकता है, ब्रेन हेमरेज करवा सकता है, पैरालिटिक अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए चाहे ब्लड प्रेशर जिनकी भी है वो एकदम अगर कुंभक का प्रयोग करते हैं तो रेगुलर हैबिट में वो निश्चित रूप से अपनी बीपी की जांच करते रहे कि कहीं किसी कारण बस हो सकता है। मैं बार बार इतना कहता हूं लेकिन कई बार आप बल लगा देते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि बल लग गया है, लेकिन उसका प्रभाव वहां बीपी पे तुरंत से आ जाएगा। अस्थमा वाले सर, अस्थमा वाले के लिए भी मैंने सेम कहा, तीन बातें मैंने कही है, हार्ट डिजीज, अस्थमा, और अस्थमा मतलब श्वास रोग से संबंधित, क्योंकि वो भी जबरदस्त करेंगे तो श्वास उनकी चढ़ने लग जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि इन लोगों को करना सबको है, मैंने कभी मना नहीं किया कि नहीं करना है, लेकिन इतने प्रिकॉशंस में करने हैं कि आप धीरे धीरे करके उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें और रेगुलेट कर दें। तो ये मैंने बार बार कहा है, ऐसा नहीं कि हार्ट वाले नहीं रोक सकते श्वास, बीपी वाले नहीं रोक सकते श्वास, अस्थमा वाले नहीं रोक सकते श्वास, लेकिन एक मैंने कहा कि पांच, मैंने एक रेशियो बताया था खासतौर पर कि 1:4:2:1, तो 1:4 यानी चार गुना रोकने की बात मैंने करी थी। तो चार गुना अगर एक सामान्य व्यक्ति रोक भी दे जबरदस्ती तो चल जाएगा, लेकिन जहां ये असामान्य व्यक्ति हैं जो तीन किस्म के खास तौर पे लोग हैं, अगर ये जरा भी ज्यादा रोकेंगे तो उनकी बीपी बढ़ जाएगी, हार्ट की दिक्कत होने लग जाएगी, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन रेगुलरली चाहिए, वो समस्याओं में है वैसे ही कम उसको आपूर्ति हो रहा है। और या जिनको श्वास से संबंधित समस्याएं है, वही तो है कि लंग्स पूरी तरह काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं ले रहा, इसीलिए तो श्वास चढ़ पा रही है, फूल रही है बस मेन। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि बीपी, हार्ट और खासतौर पर अस्थमा, श्वास रोग, जिनको भी श्वास चढ़ने की समस्या है, वो जबरदस्ती यानी बल प्रयोग यानी ओवर स्ट्रेन ना ले, ये मैंने बार बार कहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो अब कोई रोके ही ना, इसका ये मतलब नहीं, मैंने बार बार इसमें आपको कहा है और ये बार बार आपको बहुत सजगता से ध्यान देनी है कि जब भी रोकेंगे तो बड़े कंफर्ट जोन तक रोके, भले 2 ही सेकंड आप रोक लीजिए, मुझे 2 सेकंड से कोई फर्क नहीं है कि आप 2 सेकंड रोक लीजिए, लेकिन 2 सेकंड रोकना जो सामान्य कर रहे हैं उससे बेहतर है, और वो 2 सेकंड में आपकी श्वास में अनकंफर्टनेस नहीं आएगा। लेकिन अगर 4 सेकंड आप रोक देंगे और श्वास में अनकंफर्टनेस आ गया तो नुकसान हो जाएगा। इसका इसलिए ध्यान रखना है, थोड़ा कम रोकिए, सजगता रखिए और बीपी वगैरह की टेस्ट करते रहिए, देखते रहिए, आजकल तो बीपी की मशीन सबके घर में उपलब्ध होती है, तो बीच बीच में चेक करते रहिए कि इससे कहीं कोई फर्क तो नहीं आ रहा है, कहीं बीपी शूट अप तो नहीं हो रही, ये जरूर ध्यान देना है। क्लियर है रेखा जी? जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोनों बात स्पष्ट हो गई, आप सब लोगों के लिए भी प्रश्न इनका आया था, मैंने सोचा जवाब वहां दूं, इससे बेहतर है कि जवाब सामने टू सामने, फेस टू फेस दूं, इसलिए मैंने इसको रखा था ध्यान में और मैंने आपको जवाब दिया। अगर आपके प्रश्न होंगे तो मैं लिखने के, मुझे बीमारी नहीं है, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बोलता ज्यादा हूँ, इसलिए मैं लिखकर जवाब नहीं दूंगा, मैं बोलकर जवाब दूंगा। और बोलकर जवाब देने से क्या होता है कि सामने आप हैं और सामने मैं हूँ, तो आपको अगर कोई चीज भी समझ में नहीं आ रही तो उसको क्रॉस हम कर लेंगे ताकि आपकी स्पष्टता हो सके कि इसके पीछे मूलतः साइंटिफिकली लॉजिक क्या हो रहा होगा उस समय। ये लॉजिक उस समय रहा जब ऋषि महर्षि ने बनाया, ये आज तो इसको हम प्रूफ कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय कोई प्रूफ करने की मशीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनाया था कि क्यों और कैसे इस क्रम को करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके। तो ये था, ये प्रश्न था। हेलो, हाँ ये हो गया। आज बात हम करने जा रहे थे प्राणायाम की, आखिरी प्राणायाम, जो हमने 4 प्राणायामों को हमने बड़ा महत्व दिया है खास तौर पे कि इसका प्रयोग किया जाए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसमें कपालभाति आता है, वस्त्रिका आता है, अनुलोम विलोम आता है और एक भ्रामरी आता है। मेरे हिसाब से, ये मेरा मत है, ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा योग का मत है, योग तो सारे प्राणायामों की चर्चा किया, समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति विशेष के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम दिए गए हैं, बट मैं मानता हूं कि ये 4 प्राणायाम अगर हम अपनी हैबिट में करें एक स्वस्थ व्यक्ति, तो उसका काम हो जाएगा प्राणायाम से, जो मूल है वही मुख्य है। आज हम भ्रामरी पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि भ्रामरी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम भी कह सकते हैं और मैं कह सकता हूं ध्यान की पूर्व तैयारी भी है ये, क्योंकि ध्यान में जाने के लिए मन का शांत होना बड़ा आवश्यक है। और जैसा कि हमने चर्चा किया भी था आपसे, जब हम परीक्षा ध्यान की चर्चा किए थे और पूर्व तैयारियों की चर्चा किए थे, तो उसमें हमने ध्वनि की बात खास तौर पे की थी, और ये भ्रामरी प्राणायाम एक ध्वनि का प्रयोग, एक साउंड का प्रयोग है,
जैसे भौरे गुंजन करते हैं उस तरह का प्रयोग है। और मूलतः ध्वनि के अंदर जो हिंदी वर्णमाला है, जो अल्फाबेट हिंदी के है, उसके अंदर सारे अक्षर हैं, लेकिन मा अक्षर एक ऐसा अक्षर है जो हमारे ईच एंड एवरी ब्रेन सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, उसकी एक्टिविटी के लिए करता है। जब म का उच्चारण करेंगे तो ब्रेन पूरी तरह वाइब्रेट करेगा, लेकिन उसके अलावे क ख ग घ करिए एक पार्ट में करेगा वाइब्रेशन, बट वो वन पार्ट हो जाता है। इसीलिए भ्रामरी में म का उच्चारण इसलिए रखा गया क्योंकि पूरे वर्णमाला में म ही ऐसा अल्फाबेट है जो कंप्लीट ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है। तो ब्रेन सेल के एक्टिविटी होने के कारण है, जब ब्रेन हमारी सक्रिय होगी, उसके सेल्स एक्टिव होंगे, न्यूरॉन्स हमारे सक्रिय होंगे, तो हमारे भीतर विचारों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी। विचार तभी आते हैं जब वो इनएक्टिव है। जब ब्रेन की इनएक्टिविटी है तो विचार आएंगे। अभी हम नॉर्मल में बैठे हैं तो ब्रेन एक्टिव नहीं है तो विचार आएंगे, लेकिन जब वो एक्टिविटी होगी, सजग रहेगा, तो प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है, वर्तमान में आ जाता है, जिस क्षण में उसी क्षण में आ जाएगा। तो इसका मतलब जिस क्षण में होंगे तो फिर पास्ट में नहीं होंगे और फ्यूचर में नहीं होंगे, लेकिन जब इस क्षण में नहीं होंगे तो पास्ट में होंगे या फ्यूचर में होंगे। तो इसलिए भ्रामरी का प्रयोग यानी ध्वनि का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे आप ओम का उच्चारण करते हैं, चाहे अरहम का उच्चारण करते हैं, चाहे सिर्फ म का उच्चारण करते हैं, जिसको हम महाप्राण ध्वनि के नाम से भी परीक्षा ध्यान में कहा गया है। लेकिन महाप्राण ध्वनि और भ्रामरी में एक फर्क है। महाप्राण ध्वनि सिर्फ हम ध्वनि करते हैं, लेकिन इसमें हम इंद्रियों को बंद भी कर देते हैं, और इंद्रियों के बंद करने के कारण उसका प्रभाव क्षेत्र उस तुलनात्मक देखेंगे तो ज्यादा होगा, ज्यादा वाइब्रेशन आएगा, इसलिए ब्रेन ज्यादा एक्टिव होंगे। तो मेरा जो मत है कि हम करते हैं क्योंकि प्राणायाम करने की एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक कानून है, तो इसलिए हमेशा प्राणायाम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो जब हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वहां पर हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें, लेकिन जब प्राणायामों की श्रेणी में हम आते हैं, प्राणायाम के वक्त के लिए आते हैं, प्राणायाम के क्रमों में आते हैं, तो हम वहां भ्रामरी का प्रयोग करते हैं। कान बंद होगा, आंखें बंद होगी, होठ बंद होंगे, जीव उल्टा करके तालू से टच होना चाहिए, पैलेट से, अपर पैलेट एंड लोअर बैक पैलेट। तो बैक पैलेट से अगर हो जाए तो अच्छी बात, जिसको कहते हैं आगे चलकर आपने मुद्राओं की जब चर्चा चली थी तो हमने खेचरी मुद्रा की बात थोड़ी सी की थी, जिसमें पीछे की ओर ले जाया जाता है। तो ये जब ऊपर टच होता है और जब ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है, यानी वाइब्रेशन ज्यादा देता है। एक नॉर्मल करेंगे तो वाइब्रेशन, और जब जीव को तालू से टच रखेगा और तो वाइब्रेशन में फर्क आ जाएगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जब ब्रेन सेल्स ज्यादा एक्टिव होंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो भ्रामरी का प्रयोग मूलतः इसलिए करवाया गया है कि आपके मन में जो विचारों की श्रृंखला चल रही है उस विचारों को तोड़ा जाए, मन को एक शांत दिया जाए, एक पीस दिया जाए। एक जब अगर मैं, मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ब्रेन का ज्यादा उपयोग करते रहे हैं, और ब्रेन का उपयोग हम हर लोग करते हैं, मास्टर हैं इसके, इसमें तो कुछ कहना भी नहीं कि बैठे बैठे भी दिमाग घूम रहा होगा कि पता नहीं आज बीबी कौन सी नाश्ता बनाई होगी, आज तो मैंने कहा था कि वो समोसे ले आना और छोले ले आना और भटूरे ले आना और वो नहीं लाई, तो बैठे बैठे दिमाग कुछ ना कुछ करता रहता है, सोचता रहता है। तो हम कैसे उससे कम हो सके, बच सके, एक शांत स्थिति पैदा हो सके हमारे भीतर, तो जब हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो उस समय क्या होता है, विचार शून्यता पैदा हो जाती है, थॉटलेसनेस पैदा हो जाता है, और वो ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, मन को शांति मिलता है। तो ये जो क्रम हमारा बनता है, इसीलिए मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम आप करते हो, और अगर सही तरीके से अनुलोम विलोम करेंगे वहीं से पीस में आप आ जाए, अनुलोम विलोम ही आपको संतुलन मिला देगी और एक शांति पैदा कर देगी वहीं से, अगर सही तरीके से अनुलोम विलोम होने लगेगा, जहां एफर्ट नहीं होगा, एफर्टलेस होने लग जाएगा, तो आप देखेंगे वहीं से होगा। और उसके साथ साथ भ्रामरी का प्रयोग करेंगे तो एकदम वो मार्ग तैयार कर दिए कि अब अपने भीतर जाने का पूरा रास्ता तैयार है। इसीलिए प्राणायाम के बाद ध्यान का प्रयोग हम करते हैं। वैसे तो अष्टांग योग सूत्रों में इसको थोड़ा और आगे रखा गया है, बट हम प्राणायाम के बाद ध्यान का प्रयोग इसीलिए करते हैं। तो ध्यान, ताकि ध्यान बेहतर हो सके, मन पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट और कोऑर्डिनेट हो सके, एक पॉइंट पे फोकस हो सके, ये जरूरी है हमारे लिए। तो ये आप, इसलिए जब भी आप प्राणायाम किया करें तो क्रम रखें कि किस क्रम से करें। हमने क्रम आपको बताया था शायद पीछे क्रमों में, क्रम ये था कि सबसे पहले सफाई करें, सफाई करने के बाद जब सफाई हो जाती है कमरे की, तब आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं, और जब आराम से बैठ सकते हैं तब आप ध्यान की ओर जा सकते हैं। तो सफाई के लिए मैंने दो कहा,
कपाल भाति प्राणायाम नहीं है, लेकिन आज के दिन में उसे प्राणायाम ही मानते हैं, बट उस कपाल भाति क्रिया है। तो कपाल भाति करके अपर पोर्शन की क्लिंजिंग करें, भाग भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग करके सीने के भाग को क्लिंज कर दें, यानी सफाई का पार्ट को साफ करें, सफाई करें। और जब सफाई हो जाएगी तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा लाभकारी, और एनर्जेटिक तो सारे प्राणायाम है बट ये सबसे ज्यादा लाभकारी है और शरीर को संतुलन देता है, बैलेंस करता है, इसलिए अनुलोम विलोम उसके बाद करें। और आखिरी में, क्योंकि जब सारे क्रम को आपने खत्म किया तो मन को पीस में आना चाहिए, एक शांत स्थिति पैदा होना चाहिए, तो लास्ट में भ्रामरी का प्रयोग होगा या ओम का उच्चारण जो हम करते हैं वो आखिरी के क्रम में होगा। ऐसा नहीं कि शुरू में भ्राम, कोई चाहे तो शुरू में भी भ्रामरी कर सकता है, आखिरी में भी भ्रामरी कर सकता है, मन को वहां भी शांत कर सकता है, बट बीच में भ्रामरी ऐसा नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर या तो प्रारंभ से भ्रामरी से आप प्रारंभ ही कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अब आप बैठ जाइए, थोड़ा श्वास को देख लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, तो वहां भी भ्रामरी का प्रयोग किया जा सकता है फर्स्ट, और उसके बाद आगे के प्राणायाम, लेकिन आखिरी में जरूर करने चाहिए। लास्ट में हम चाहे ओम की ध्वनि से खत्म करते हैं, इसके पीछे मूल प्रयोजन है कि ओम की ध्वनि करते हैं उसमें भी म अल्फावेट होता है तो ब्रेन सेल को वो भी शांत करता है, पीस देता है, और उससे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं जिससे विचार शून्यता पैदा होती है। तो मन को शांत, जब भी क्रमों को खत्म करें तो एक शांत, एक आनंद में, एक हर्षोल्लास, अंदर से एक उल्लास, एक आनंद हो, उस क्रम में अगर खत्म किया जाए तो ये बड़ा अच्छा होता है, बड़ा लाभकारी होता है। तो मूलतः भ्रामरी का प्रयोग आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये इसको आखिरी के क्रम पे करना है, और बीच में अनुलोम विलोम करना है, और प्रारंभ में कपालभाति और वस्त्रिका का प्रयोग करना। इस तरह से अगर आप चार ही प्राणायाम को आप अपने जीवन व्यवस्था में जोड़ दीजिए, कपालभाति और वस्त्रिका का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कि 200 कर रहे हैं कि 500 कर रहे हैं कि 1000 कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, बस एक क्लिंजिंग प्रोसेस है। आप देखिए कि आपकी जरूरत है सफाई की तो उतना जरूर करिए। अनुलोम विलोम को आप कितना लंबा कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साधना आपको अनुलोम विलोम, ये जितना सधेगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, और उतना ज्यादा आप इंटरनली देखेंगे कि आपकी क्षमता भी विकसित हो जाएगी, आपके थॉट प्रोसेस में भी बड़ा फर्क आ जाएगा, आपके सोचने के वे सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएगी, अपने आप से सब हो जाएगा। लेकिन अनुलोम विलोम पर निश्चित रूप से आप पूरा नियंत्रण करें, और हमने इसको बताया था कि 1:4:1 के रेशियो में लाना है, एक में भरना, चार गुना रोकना, दुगने में छोड़ना और एक गुना बाहर रोकना। और इसको हमने कहा था कि जो गिनती आपकी हो वो 16 पर लाना है, इनहेल 16 होने चाहिए, तो 16 का 64 होना चाहिए और 32 में छोड़ना चाहिए और 16 बाहर रोकना चाहिए, और ये क्रम चलना चाहिए, और कम से कम 15 से ऊपर मिनट होने चाहिए। ये नहीं कि 2 मिनट 1 मिनट कर दिए तो कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 15 से 20 मिनट होने चाहिए। और जब 20 मिनट 16 के रेशियो में आपका चलेगा और बिल्कुल श्वास एकदम जैसे लगे कि एकदम स्मूथ चल रहा है, जैसे कहते ना एकदम चिकनापन, चिकनापन को ऐसे शब्दों में मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जल पर अगर मक्खन छोड़ दिया जाए तो एक चिकनापन पैदा होता है मक्खन की तरह, तो एकदम लगे जैसे कि कितना स्मूथ हो रहा है। जब ये स्मूथनेस के साथ ये होगा 15 से ऊपर मिनट जब जाएगा तो आप पाइएगा इसके, जहां 16 तक पहुंचने के पहले ही आप बहुत कुछ पा जाएंगे, वहां तक तो आखिरी मंजिल समझिए वो मेरे हिसाब से है, कि वो आखिरी मंजिल उन्होंने कहा ही था 16 का। तो इसका मतलब है कि उस समय श्वास पर उतना बड़ा नियंत्रण होना, उतना बड़ा कंट्रोल होना, यानी आप समझिए कि 16 में इनहेल करना है, 64 रोकना है, यानी 1 मिनट से ज्यादा, यानी 64 और 16 और प्लस फिर 32 में छोड़ना, और 32 के छोड़ के फिर 16 रोकना, यानी कितना लगभग 3 मिनट के आसपास में लगभग आ जाएगा इतना पूरा क्रम को करने में। तो 3 मिनट में आधा श्वास, फिर उधर से लौटना, यानी 6 मिनट में एक श्वास अगर होने लग जाए तो समझ सकते हैं कि क्या होगा, यानी इतनी लंबी श्वास हो जाएगी कि ये लाइफ को भी बेहतर करेगा, लॉन्जिविटी जिसे हम कहते हैं कि जीवन दीर्घायतम होनी चाहिए, हमने शुरू में ही श्वास परीक्षा पे चर्चा की थी, तो उसमें आपकी लंबी आयु हो जाना इसका भी प्रमाण है, क्योंकि शरीर पूर्ण स्वस्थता में आएगा, और जब शरीर पूर्ण स्वस्थता में आएगा तो जीवन अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से लंबी होगी। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को, और उसके बाद लास्ट में यही शांति तो यही पैदा हो जाती है, और लास्ट में भ्रामरी का प्रयोग करके चुपचाप प्रभी भ्रामरी का प्रयोग करिएगा। एक खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैंने बहुत देखा है आप लोगों में कि जैसे ही प्रयोग खत्म होता है फटाफट आंख खोल के तैयार हो जाते हैं,
इतनी जल्दीबाजी क्या है आंख खोलने की, आराम से रुकी बैठे रही आंखें बंद करके। अरे कान तो खुला हुआ है ही, सुन तो रहे हैं आप हमें। जब भी ध्वनि का प्रयोग हो, कोई भी ध्वनि, चाहे ओम की ध्वनि होता है, चाहे भ्रामरी भी ध्वनि का प्रयोग है, कोई भी ध्वनि जब हो तो आप एक बात निश्चित रहिएगा कि तुरंत से आंखें नहीं खोलिए। कम से कम 30 सेकंड का वक्त जरूर दीजिए अपने लिए कि जब ध्वनि कर लिए तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहिए। भ्रामरी में हमने कान को बंद किया है, आंखें बंद की है, नाक बंद की, सर्पिंद बंद, मुद्रा का प्रयोग अगर हम करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, तो हाथ को जरूर हटा दीजिए, हाथ नीचे ले लीजिए, बट आंखें बंद रखिए और ध्यान को थोड़ा मस्तिष्क पे रखे रहिए कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या सोच हो रही है। आप पाएंगे कि कोई सोच ही नहीं होगी, निर्विचारता पैदा होगी। तो आप इसका ध्यान रखिए, जब भी ध्वनि का प्रयोग करिए तो निश्चित रूप से रुकिए थोड़ी देर, बाद में आंखें खोलते रहिए। हम बोलने वाले तो जल्दीबाजी में रहते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म अपना काम, तो ये हमारी कमी है, आप में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात समझ लेनी है, आप आंखें बंद करके जरूर 20 से 30 सेकंड निश्चित रुकिए। वो जो रुकना होगा वही उस पूरी ध्वनि का, पूरा प्राणायाम का पूरा लाभ दे जाएगा, क्योंकि वो जब तक महसूस नहीं कर पाएंगे आप उसमें बेहतर आपको फिर चाह नहीं बनेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि जब भी ध्वनि का प्रयोग करिएगा तो एक बार शांत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको स्पष्ट हो गया कि भ्रामरी का प्रयोग हमें आखिरी में करना है और ये मन को शांत करने की प्रक्रिया है। अभी श्वास परीक्षा पर जो हमारी चर्चा चल रही थी उसका आखिरी बिंदु पे चर्चा हमें करना, आखिरी बिंदु पे मैं चर्चा करना चाह रहा था। आखिरी बिंदु इसका है शुद्ध सहज आंतरिक एवं वर्तमान कालिक है श्वास, ये आखिरी बिंदु है इसका। यानी जो श्वास हमें मिली है, प्रकृति ने जो श्वास हमें दी थी, जो हवा दी थी, वो बिल्कुल शुद्ध था, प्योर था। प्योर मिला तो था प्योर, बट हमने अपने चक्रों में, अपने माया के चक्कर में, इस भौतिक जगत की व्यवस्थाओं में, इस पूरे वातावरण को इम्प्योर कर दिया, इम्प्योरिटी पैदा कर दी है हमने, पोल्यूशन हमने फैला दिया। ये पोल्यूशन किसके द्वारा किया गया? प्रकृति के द्वारा नहीं किया गया है, ये हमारे द्वारा किया गया। हमने इसके साथ छेड़छाड़ करी जिसके कारण पोल्यूशन हमारे भीतर पैदा हुआ। अब वह श्वास, जो हवा शुद्ध होनी चाहिए थी, वो इम्प्योर है, अशुद्ध है, लेकिन मिला तो था, प्रकृति ने दिया तो था, प्योर शुद्ध है। तो इसलिए श्वास हमेशा शुद्ध रहा है। अब इंडिया में शुद्ध नहीं है तो इसके लिए शुद्ध हवा लेने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, ये बात अलग है, क्योंकि वहां प्योर है, वहां पर लोग छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करते प्रकृति से। लेकिन हमने बहुत ज्यादा किया है और पराली जला रहे हैं और ये कर रहे हैं, पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी इतना पोल्यूशन है कि कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब प्रकृति ने तो शुद्ध दिया था, तो शुद्ध है श्वास, प्योर है, उसके साथ कोई मिलावट नहीं है, सहज है। सहज का मतलब आसानी से, सरलता से, जो उपलब्ध हो जाए, यानी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, हमेशा श्वास उपलब्ध है, हवा उपलब्ध है। शुद्ध है, सहज है, यानी आसानी से उपलब्ध होने वाला है। शुद्ध सहज आंतरिक, आंतरिक मतलब भीतर से, ये श्वास ही है जो हमारे भीतर से जुड़ी हुई है। जब एक बच्चा इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, जब तक वो माँ के गर्भ में है, तब तक उसकी श्वसन की क्रिया, उसके न्यूट्रिशन की सारी क्रियाएं माँ के साथ जुड़ी हुई हैं। वो अपना कुछ नहीं करता। वो जो प्लेसेंटा, आप समझते हैं, साइंस में प्लेसेंटा कहते हैं, नाभि, नाभि जिसको जुड़ा हुआ होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि काटी जाती है, आपको शायद ध्यान में हो कि नाभि काटते हैं। जैसे ही नाभि काटते हैं तो बच्चा उसके बाद रोना शुरू होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना इस भौतिक जगत में, अगर वो रोए नहीं तो क्या होगा? सब कुछ ठीक रहेगा या सब कुछ असामान्य हो जाएगा? सब कुछ असामान्य माना जाएगा। जैसे ही बच्चा रो लिया तो सब कुछ सही है, और अगर बच्चा नहीं रोया तो उसे रुलाया जाता है, उसे पलट लेते हैं ऊपर उठा, नर्सेज वगैरह जो होती है वो पैर पकड़ के उठा देंगे, फिर थपकाएंगे उसको कि किसी तरह रो दे। क्योंकि जैसे ही बच्चा रोएगा भौतिक जगत में, उसी क्षण उसकी लंग्स खुलेंगे। अभी तक लंग्स बंद थे, श्वसन की क्रिया चल रही थी। वो किस चीज से? माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं साइंस में, वो प्लेसेंटा नाभि से जुड़ी होती है, जिसको फिर बाद में काट करके अलग कर दिया जाता है। तो भौतिक जगत में उसका प्रारंभ जैसे ही होता है, जैसे ही वो रोता है, रोना उसकी पहली अभिव्यक्ति है, और रोने के साथ ही लंग्स खुल जाएंगे, और जैसे ही लंग्स खुलेंगे तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। वो अपने आप से, अब श्वसन की क्रिया उसकी स्वाभाविक रूप से अपने आप से चलने लग जाएगी। अभी तक सारी की व्यवस्थाएं माँ से चल रही थी, लेकिन अब उसको सब कुछ स्वतंत्र रूप से चाहिए होगा। तो ये जो आंतरिक है, आंतरिक मतलब भीतर से जुड़ी हुई है,
इसको केंद्रों में खास तौर पे हम परीक्षा ध्यान में तेजस केंद्र के नाम से जानते हैं कि तेजस केंद्र पर ये बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। आपने देखा होगा कई बार कई तस्वीरों में देखा होगा कि विष्णु जी या कोई देवी देवता एक लेटे हुए और नाभि से एक कमल पुष्प निकला हुआ है, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश उस पर दिखा रहे हैं, ऐसा करके कई तस्वीरें आपने देखा होगा। ये केंद्र बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है जो हमारे अंदर से जोड़ने की प्रक्रिया में है, इसलिए खास तौर पे योग में इसको मणिपुर चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये अंदर से जुड़ा हुआ था। तो ये आंतरिक है, श्वास जो है वो आंतरिक है, यानी बाहर से तो है ही लेकिन वो भीतर से जोड़ने के साथ है। तो शुद्ध सहज आंतरिक यानी भीतर से जोड़ना, और साथ ही वर्तमान कालिक है। वर्तमान मतलब जिस क्षण में है उसी क्षण की श्वास है, कि कोई पास्ट की बात नहीं की जा रही, कोई फ्यूचर की बात नहीं की जा रही, ये जिस क्षण में है अभी जहां है, अभी जो लिया सो अभी का अभी है, वो प्रेजेंट है। ये बात मैं नहीं कर रहा कि जो दो श्वास पहले ले चुके थे या दो श्वास बाद में लेंगे, हर श्वास उसी क्षण की है। तो जैसे ही श्वास के साथ आप जुड़ते हैं उस क्षण के साथ जुड़ जाते हैं, और वो क्षण क्या होता है, वर्तमान होता है। और इस सारे का जिस्ट मैंने जब पहली लेक्चर ली थी परीक्षा ध्यान पे, शुरुआत हमने करी थी, दो बार हम ऐसा बोल चुके हैं जिसमें हमने बताया कि दो ही बातों पर संपूर्ण योग टिका हुआ, एक तो श्वास है और दूसरा लिव इन प्रेजेंट है, वर्तमान में जीना। बस दो ही बातों पर संपूर्ण योग है, चाहे किसी भी बात को आप कहिएगा, मैं इन दोनों बातों पर आपको लाकर खड़ा कर दूंगा। एक श्वास, जिसने श्वास पर नियंत्रण कर लिया, और जो वर्तमान पर नियंत्रण कर लिया उसके लिए संपूर्ण योग हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए श्वास वर्तमान कालिक उसी क्षण में आपको ला देता है, पास्ट और फ्यूचर से हटाकर वर्तमान में ला जाता है। और वर्तमान में होना ही स्वयं में होना है, और स्वयं में होना ही ध्यान साधना की उत्कृष्टता है, चरमोत्कर्ष है। तो जिस दिन स्वयं में आ जाइएगा तो साधना हो गई, फिर कुछ नहीं बचा। हम क्या करते हैं, पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं, इसीलिए सारी समस्याओं का जड़। ये वर्तमान कालिक है श्वास, यानी हमेशा आपको याद दिलाती कि ये अब है, अभी है, यही क्षण है, ये है। तो वर्तमान कालिक है जिसको ले जाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं करनी, हमेशा आपके साथ है। जीवन की जब से शुरुआत हुई और जब तक जीवन का अंत नहीं होता तब तक ये आपके साथ है, और हर जगह उपलब्ध है। तो आप जब चाहे अपने आप को वर्तमान में लाने के लिए श्वास का सहारा ले सकते हैं, जिससे उस क्षण में आप आ जाए। इसीलिए जब कोई भी प्रयोग हम करवाते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं श्वास को देखो, वॉच करो, यानी उस क्षण में आप आ जाओ, तो पास्ट और फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तो आपका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी वंडरिंग ऑफ ब्रेन है, जो सारी चीजें अपने आप से खत्म होने लगेगी, और आप अपने आप धीरे धीरे वर्तमान क्षणों में जीने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है श्वास परीक्षा के प्रयोग करने से ये वर्तमान क्षणों में जोड़ने की प्रक्रिया है, और जब वर्तमान में होना है वही ध्यान में होना है। ये मूलतः श्वास परीक्षा का आध्यात्मिक बिंदु था। वैज्ञानिक बिंदुओं पर हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि हमने आपको पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा की है, श्वसन तंत्र की चर्चा की है, और उस श्वसन तंत्र जो पूरा का पूरा है वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है श्वास परीक्षा का। तो सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कि कैसे श्वास लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन जाती है, कैसे एक्सचेंज होती है, शरीर को कैसे एनर्जी मिलती है, सारी चीजें हमने चर्चाएं की हैं आपको साइंटिफिकली। तो वो आप उसका पूरा वैज्ञानिक बिंदु आप समझिए। तो श्वास परीक्षा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बिंदु हो गए। अब बस इसकी बात आखिरी बिंदु में करके खत्म ही कर देता हूं, आज दो मिनट और में लेकर के इसको समाप्त कर देता हूं। बच गई इसकी प्रक्रिया कि किया कैसे जाए, करने की प्रक्रिया क्या होगी। रोज करवाया जा रहा है, पंकज जी करवा रहे थे, आज अनामिका करवाती हैं, कई बार हम भी करवा देते हैं। वैसे हम ज्यादा बढ़िया तो नहीं कराते, बाकी लोग अच्छे करवाते हैं, लेकिन करवा देते हैं, चलो अपनों को मौका मिला तो कुछ तो कर ही ले, है ना। तो इसलिए करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। हम इसे 5 स्टेप में रख रहे हैं, 5 स्टेप मैं दे रहा हूं, और एक एक स्टेप पर साधिए अपने आप को, क्योंकि ये अचानक से हम आखिरी बिंदु पर आ जाते हैं, इसलिए कुछ पकड़ में नहीं बात आती। पकड़ना क्या है कि बेस से शुरू करिएगा तो बिल्कुल स्पष्टता मिलेगी। इसको 5 स्टेप में आप समझिएगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि मन बड़ी चंचलताओं में चलने का अभ्यासी है, और जब चंचलताओं में चलेगा तो क्या करेगा, इस मन को एक साथ 4 काम करने का अभ्यास आपने बचपन से दिया है और 4 काम एक साथ कर रहा है, लेकिन 4 काम जब भी मन करेगा तो कभी भी बेहतर नहीं दे सकता, बेस्ट नहीं देगा। हाँ, कुछ इधर का, कुछ उधर का, कुछ उधर का, थोड़ी गड़बड़ी इधर, थोड़ी गड़बड़ी उधर, ऐसा हो जाए। ये प्रयोग इसलिए रखा गया है कि माइंड को 4 कामों से हटाकर सिर्फ 1 पर लाया जाए,
और एक पर लाया जाए तो उसी एक पर टिका रह सके, ऐसा नहीं को चार चीजों की ओर जाए, जस्ट वन। योग कहता है कि एक समय में एक काम करो, जब एक समय में एक ही काम करेंगे तो आप पूरी तरह उसके साथ जुड़े होंगे, उसमें पूरे एफर्ट भी आपका जाएगा, पूरी कॉन्सेंट्रेशन भी जाएगी और वह काम भी सबसे बेस्ट होगा, एक नंबर पे होगा। जब चार कामों में मन को डाइवर्ट करेंगे तो चार तरफ मन जब डाइवर्शन में जाएगा तो कोई भी चारों के चारों काम में किसी में भी परफेक्शन नहीं होगा। तो प्रयोग में इसीलिए रखा गया है कि एक समय में एक काम। अब एक काम में क्या करना है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, धन्यवाद सरोगी जी आपने लिखा है कुछ ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि श्वास लेना और छोड़ना। जो पहला क्रम हमने ब्रीदिंग पे भी आपको बताया जा रहा है कि आप कुछ नहीं करना है कि जित लीजिए श्वास और छोड़ दीजिए, जितने में आ रहा है जितने में जा रहा है कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यानी जितने में लिया जितने में छोड़ा, जो नॉर्मल बिगड़ी हुई श्वास आपके, बस उसी श्वास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको ऐसे समझिए बिगड़ी हुई श्वास, यानी न इसमें लेने का कोई व्यवस्था है न कोई छोड़ने की व्यवस्था है, बस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जस्ट इतना पहला स्टेप। एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, आप जितना कर सकते हो पहले करो, लेकिन श्वास लेना और छोड़ना तो चलता रहे, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं हो कि ले छोड़ रहे हैं और दिमाग कुछ और सोच रहा है, ऐसा नहीं, वही एक होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, जब लेना छोड़ना करते रहेंगे तो दिमाग और चार काम का तो अभ्यास पीछे से रहा है, तो अचानक से दिमाग चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, तो अभ्यास है। तो ब्रेन को एक जगह कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर ओवरलोड करना पड़ेगा, उसको प्रेशर देना पड़ेगा कि और दो चीज यहीं पे ला, इधर उधर मत जा, यहीं रह। तो फिर करते हैं, पहले स्टेप में हुआ इनहेल, जब भरेंगे तो पेट बाहर आनी चाहिए, नाभि बाहर आनी चाहिए, और छोड़ेंगे तो नाभि अंदर जानी चाहिए। यानी ये काम आपको करते रहना है, हर भरने के साथ पेट बाहर आए, हर छोड़ने के साथ पेट अंदर जाए, ये आपको सजग रहना है उस पर, ऐसा महसूस करते रहना है। ऐसा नहीं कि हमने लिया छोड़ा और दिमाग और चल रहा है, पेट हिला कि नहीं हिला से मतलब नहीं, नहीं बिल्कुल, हर बार हर एवरी टाइम एवरी ब्रेथ पर पेट की मूवमेंट हो और ये आपको कॉन्शियसली पता हो, तो पहला काम होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मन डाइवर्ट हो जाएगा, भागेगा, तो इसके साथ हम एक काम और एड कर देंगे, यानी दो काम कर देंगे। क्या कर देंगे कि पहले में तो पेट अंदर बाहर चल रहा था, अब हम कर देंगे कि गिनती से लेना और गिनती से छोड़ना है, सिंक्रोनाइज कहते हैं इसको, समताल कहते हैं, दोनों को समताल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। बराबर करने में आप अपना रेशियो बना सकते हैं, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, अगर पांच में ले रहे हैं और दस में छोड़ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पांच में ले रहे हैं पांच में छोड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पांच में ले रहे हैं आठ में छोड़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर बार वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पांच में लिया पांच में छोड़ा, दूसरी बार पांच में लिया आठ में छोड़ा, तीसरी बार पांच में लिया दस में छोड़ा, ऐसा नहीं। जो होगा वह एक होगा, पांच में लेकर आठ में छोड़े, पांच में लेकर दस में छोड़े, उसको रिदम ही कहते हैं, उससे सेम रिदमिक है वो, कि एक ही रिदम होनी चाहिए, हर बार रिदम बिगड़े नहीं बदले नहीं, ताकि माइंड उस पर कोऑर्डिनेट हो सके कि एक ही रिदम को हम कंटिन्यू कर सके। तो दूसरे क्रम में पेट अंदर बाहर तो चलते ही रहना चाहिए, उसके साथ साथ आपको रिदम का भी ध्यान रखना है, यानी अब दो काम ब्रेन को मिल गया। लेकिन ब्रेन इतना मास्टर है, इतना ट्रेंड आपने किया है इतने वर्षों में, कि इसके दो करते हुए भी भाग जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर एक तीसरा लोड फिर हम बढ़ा देंगे, यानी तीसरे स्टेप की ओर आ रहे हैं। इसका तीसरा स्टेप क्या होगा कि नॉस्ट्रिल के इनसाइड इनसाइड नॉस्ट्रिल देखिए और उसके टच को महसूस करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि टच को महसूस कर रहे हैं तो पेट का अंदर बाहर आना और सिंक्रोनाइज ब्रेथ को छोड़ देना है, वो तीनों कंटिन्यू चलेगा, पेट भी नाभि भी अंदर बाहर हो, ब्रेथ भी सिंक्रोनाइज हो, और साथ ही साथ उस टच को भी नॉस्ट्रिल में महसूस करना, यानी हम डीपर की ओर जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जो चल रहा था सामान्य वे में, अब वो और डीप हो रहा है, क्योंकि उसकी डीपर जितनी गहराई में जाएंगे, जितना ब्रेन को लोड देंगे उतना ब्रेन उस पर फोकस हो सकेगा, कॉन्सेंट्रेट हो सकेगा। तो अब तीन काम एक साथ हो गए। कहते ना कि चित्त को नाभि से हटाकर नथनों के भीतर केंद्रित करें, तो नथनों के भीतर केंद्रित कर दे तो खाली नथनों के भीतर ही नहीं है आप पेट के अंदर बाहर होना भी साथ महसूस करना चाहिए, और उसके वो गिनती भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ तीसरे साथ ये टच को भी महसूस करते रहना, यानी तीन काम अब आपको मिल गया, ब्रेन को तीन काम करने एक साथ। तो अब ब्रेन फिर से भाग जाएगा,
क्योंकि अभ्यास तो आपने खूब बनाया, मास्टरी हासिल किया इसमें, है ना। तो चार चौथा काम भी हम ऐड कर देंगे। चौथा काम क्या करेंगे, चौथा काम जो जा रहा है नॉस्ट्रिल में टच हो रहा है, उस टच के साथ उसमें ठंडेपन को महसूस करें, और जो उधर से आ रहा है उसके साथ गर्माहट को मन करें। यानी चार काम एक साथ हम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला पेट नाभि अंदर बाहर, दूसरा साथ साथ गिनती, तीसरा उसके साथ टच को महसूस करना, और जो टच वाले भाग है उसी वाले भाग पर ठंडे और गर्म को महसूस करें। ये चारों काम एक साथ, अगर यह चारों काम को एक साथ करेंगे, चारों काम की महसूसी करते रहेंगे, तो कोई कारण नहीं बनता कि मन कहीं और चला जाए। और मन कहीं अगर चला जाएगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मन को ग्रेजुअली ट्रेंड करना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एक ही दिन में कर दीजिए, ग्रेजुअली ट्रेंड करिए। एक पर ज्यादा लंबा लगाइए, फिर दूसरे पर लगाइए, फिर तीसरे को ऐड कीजिए, फिर चौथे को ऐड कीजिए। इसीलिए वक्त दीजिए। जैसे 40 मिनट का ध्यान हम करते हैं, तो ध्यान में हम बहुत सब कुछ लंद फंद बहुत कर देते हैं, इधर उधर बहुत करते हैं, चार पांच छह चीजें जोड़ देते हैं। कोई जरूरत नहीं जस्ट एक चीज को जोड़ने की। अगर ब्रेथ कर रहे हैं तो बैठ जाइए, ब्रेथ ही कर जाइए, सिर्फ इसी पर लगाइए 40 मिनट, 55 मिनट, 67 मिनट, 10-10 मिनट, एक एक पर दीजिए, तो देखेंगे धीरे धीरे वो कोऑर्डिनेशन आने लगेगी। और ये चारों जब एक साथ हो जाए, चार क्रम हो गए, तो लास्ट जो इसका अल्टीमेट गोल है, वह गोल असली जो है वो है एफर्टलेस हो जाना। यानी पांचवा क्रम है कि अब कुछ नहीं करना। अभी तक आप करने पे थे, एक्टिविटी हो रही थी, अब एक्टिविटी से मुक्त हो जाइए। तो जब इतने कॉन्सेंट्रेटेड होकर इन एक्टिविटी को करेंगे, और जैसे ही अपने आप को छोड़ देंगे, सहज हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, अब पेट आ रहा है बाहर या नहीं आ रहा है से लेना देना नहीं, उस टच को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठंडे और गर्म महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, इस सारी बातों से परे हो जाना है। सिर्फ कहाँ रहना है, सिर्फ सजग होना है श्वास की एक्टिविटी पर, कि अब आ रही है कैसे और जा रही है कैसे, जस्ट इतना ही। जैसे उस आने और जाने को महसूस करने लगेंगे, इस क्रमों से जाएंगे, तो देखेंगे पाएंगे आप कि जैसे ही वो क्रम छोड़ देंगे, एफर्टलेस हो जाएंगे। आप वॉच कीजिएगा और आप आश्चर्य में आ जाइएगा कि लगेगा जैसे श्वास चल ही नहीं रही, इतनी स्लो हो जाएगी, इतनी मंद हो जाएगी कि लगेगा श्वास ही नहीं है। और अगर श्वास नहीं महसूस हो रहा है, इसका मतलब विचार समाप्त हो गया है। आप समझ लीजिए, क्योंकि श्वास की सीढ़ी पर ही मन चलता है। तो जैसे ही श्वास मंद हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, पता नहीं चलने लगेगा, तो विचार अपने आप से खत्म हो जाए। और जैसे ही विचार से मुक्त हो गए और सजगता से हर श्वास को महसूस कर रहे हैं, जाने और आने को, तो अपने आप से ध्यान की गहराई में चले जाएंगे। करना नहीं पड़ेगा, जस्ट हो जाएगा, ये अपने आप से उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए श्वास बड़ा सरल और सहज है, और उपलब्ध भी हर जगह। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, फालतू का समय बर्बाद करें, इससे बेहतर तो अपने आप को देखते रह जाए। जस्ट वॉच योर सेल्फ, ब्रेथ को वॉच करते रह जाइए। जैसे ही एफर्टलेस होएंगे, श्वास की गति मंद होगी, मन शांत हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा। कहते हैं शरीर से स्थिर, वाणी से मौन, मन से साथ, मन से शांत, और श्वास की गति मंद, ये चारों कंडीशन जब एक साथ पैदा होंगे, वही क्षण ध्यान का है, उसी क्षण ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। यही तो कंडीशन है ध्यान का। तो इतना सरल है ध्यान करना, लेकिन हमने इतनी कठिनाई पैदा कर दी इस ध्यान करने में, क्योंकि ट्रेंड हमारा, ट्रेनिंग बचपन से बहुत दूसरे किस्म से रहा है, इसलिए सारी परेशानियों का जड़ है। वरना प्रकृति ने तो सहजता दी है आपको, लेकिन हमने सहजता को छोड़कर एफर्ट को अपना लिया है, इसलिए सारी समस्याओं का कारण हो गया। तो बस यही बात मैं कहूंगा कि जब श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बस इसी क्रम से आप करें। मैं इसी ने जब प्रयोग मैं पर्सनली करवाता हूं, तो मैं ज्यादा चीजों पर मैं नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं ये कहीं पे लाऊं। हमेशा आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, लास्ट में मैं जरूर ज्योति केंद्र कर लेता हूं, क्योंकि कहीं असंतुलन पैदा हो तो उसको बैलेंस करने के लिए ज्योति केंद्र पर करना एक उचित और एक व्यवस्था अच्छी है। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि आप इतने दिनों से, लगभग अब तो मैं समझता हूँ 7-8 महीने तो हो ही गए हमें करते हुए, नहीं, और अगर 7-8 महीने में भी चीजों की स्पष्टता नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन नहीं डेवलप हुआ है, तो आप में कमी नहीं, कमी मेरे में है कि मैंने आपको सही तरीके से शायद बता नहीं पाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बताऊं और आप उसकी जिस्ट को समझिए। हम क्या करते हैं ध्यान की व्यवस्थाओं में, मैंने बहुत देखा है, 25 साल तो हो ही गए इसको करते कराते, तो बहुत देखा है कि इतनी व्यवस्थाएं दे देते हैं, इतना ओवरलोड दे देते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि करे तो क्या करे। कुछ नहीं करना, जो कर रहे हो करो, बस सहज हो जाओ।
बस जस्ट उसकी सहजता और सजगता बना दीजिए, वही से उपलब्ध हो जाएगा ध्यान। कहीं ऐसी कुछ नहीं जो ध्यान न हो सके। बहुत आसान है, बहुत सरल है ध्यान। बस सिर्फ आपको सहज और अपने स्वभाव में आ जाने की जरूरत है। जब आप स्वभाव में आइएगा, सहजता में आइएगा, तो अपने आप से स्वतः और स्वाभाविक रूप से ध्यान होगा। चिंता ना करें, मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि 21 तारीख से कैंप चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा है आपको कि जैन विश्व भारती लाडनू में कैंप चलेगा, तो हमारे सारे प्रशिक्षक कैंप में भाग ले रहे हैं, सिर्फ मुझको छोड़कर, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, इसलिए कैंप में मैं नहीं जा रहा। तो आगे से जो रात्रि की ध्यान की कक्षा होगी 21 तारीख से, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखेंगे, हो सकता है 20 तारीख से ही, वो फिर रात्रि ध्यान सिर्फ मैं करवाने वाला हूँ। तो जिन लोगों को ध्यान में रुचि हो, मैं कोई चार चरणों में नहीं जाने वाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका एक महीने की साधना वहां जैन विश्व भारती में होगी। और अगर आप सजगता से मेरे साथ एक महीने दिन जुड़ जाइएगा, तो वो साधना जो वहां वो एक महीने में लेंगे, मैं आपको सिर्फ रात्रि ध्यान में करवा दूंगा। तो आप गौर कीजिएगा, वॉच करिएगा और सजग रहिएगा, और जरूर आइएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा महीना शायद, क्योंकि सब बच्चे जब उधर रहेंगे तो जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी, तो मैं करवाऊंगा। और मैं चार लपचंदन में नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ एक करवाने वाला, और वो चाहे श्वास परीक्षा हो जाए, चाहे वो ज्योति केंद्र परीक्षा हो जाए, वो 45 मिनट पूरे के पूरे एक ही पे चलेंगे। 5-7 मिनट आगे पीछे कर लेंगे, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मंत्रों का और प्रयोग में मैं नहीं आता हूँ। आप देखे होंगे नौलखा जी, जबकि परीक्षा ध्यान में सारे मंत्र हैं, सिस्टमेटिक है वो, मैं उस प्रयोगों में नहीं आता। मैं जिस्ट की ओर जाना चाहता हूँ कि आपको कुछ मिले। एक बार आपको मिल जाएगा ना, एक बार स्वाद मिल जाए, बस मेरा पर्पस इतना कि एक बार टेस्ट आपको मिल जाए, फिर मेरा काम हो गया, फिर तो आपका काम शुरू हो जाएगा। आगे से 20 तारीख को समझ लीजिए, क्योंकि 20 तारीख से बच्चे चाहेंगे तो ट्रेन में रहेंगे वो, तो मैं ही करवाऊंगा क्योंकि बच्चे नहीं होंगे। तो आप 20 तारीख से एक महीने दिन तक लगातार अजय शर्मा के साथ रात्रि ध्यान करिए। अगर आपकी रुचि है तो जरूर आइए, और रुचि नहीं है तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भौतिक जगत में मजा लेते रहिए उसी तरह। तो ये मैं सूचना इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं संभवतः मैं ही आने वाला हूं आगे आने वाले वक्त पर, तो इसलिए आपको दे देते हैं कि आपको ये ना लगे जी कि भाई ये नहीं हो रहा है। सब होगा और सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। काफी वक्त हो गया है, क्योंकि अपने वक्त को तो पता है कि 9:15 के पहले छूटना ही नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चाहे विषय रहे या विषय ना रहे, 9:15 तो बजने ही बजने हैं, हो सकता है 9 भी बज जाए, उसका भी ठिकाना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। अगर आपके मन में कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारा आज कोई शंका हो ही नहीं सकती, आज कोई शंका नहीं है सर, आज तो खाली धन्यवाद वचन है। आपने जो पैलेट की बात कही, जो हम करते हैं भ्रामरी, उसमें कहा कि पैलेट को जीभ को ऊपर ले लेते हैं तो वाइब्रेशन ज्यादा होता है। मेरा अनुभव मैं बताता हूँ सर, आपने संकेत किया दांत खुले रहे तो अच्छा है और लगे रहे। दांत अगर मैं लगा लेता हूँ तो वाइब्रेशन और ज्यादा एनर्जी हो जाती है, दांत लगाने से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दांत नहीं लगाएं ठीक है, दांत लगाएं ठीक है? नहीं नहीं, जिसमें आपको ज्यादा, देखिए इसका पर्पस दांत लगाने से कोई पर्पस नहीं रहा, पर्पस रहा कि जिन लोगों ने अनुभव किया उसको उसके आधार पर उन्होंने लिखा। मेरा मानना है कि हम उन आधारों को जो हमारे शरीर में महसूस हम कर पा रहे हैं, हम उन आधारों को लें। ये मेरा अपना मानना है, मैं उस बात की नहीं कहता कि आचार्य श्री ने क्या कहा और लोगों ने क्या कहा, उस बात की मैं नहीं कहता। क्योंकि देखिए अपने अनुभव हैं, हर के अनुभव अपने किस्म के होंगे, अनुभव एक जैसा किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि न शारीरिक बनावट एक जैसी है, न शारीरिक मानसिक सोच एक जैसी है, वो फर्क आ जाएगा। तो अगर आपको टच करके लगता है कि ज्यादा बढ़िया वाइब्रेशन है, जस्ट वाइब्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, आप इसको जानिएगा। इसका जिस्ट वो वाइब्रेशन है, इसका जिस्ट ये नहीं है कि जीभ खुला है कि जीभ लगा हुआ है। कि किसी को जीभ ना भी लगे, नीचे रहे और उसके वाइब्रेशन बेहतर आ जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो इसलिए इस बात को नहीं मानी, बट जनरली जो कॉमन रूल देखा गया कि वॉइस पोजीशन पे रहता है तो ज्यादा बेहतर होता है। तो आपको अगर वैसे ठीक है होंठ टच दांत टच करके करना, यू कैन, आपको करने में कोई आपत्ति नहीं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन लंद फंद के चक्रों में ना रहे, मेरा प्रपस ये है कि इन चक्रों में ना रहे कि जी उन्होंने ऐसे कहा, जिन्होंने जो कहा सो कहा। हमारा एक ही मानना है कि मैं देखिए साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, MSc तक हमारा साइंस बैकग्राउंड रहा और अध्यात्म में मैं आ गया कहां से घूमते घुमाते, है ना। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि मैं किसी चीज को आसानी से पकड़ता नहीं और लेता नहीं। सुनाते सब है, मैं सुनता सब हूँ, लेकिन लेता नहीं, छोड़ देता हूँ। लेकिन जिसको मेरा ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन जिसको एक्सेप्ट करता है, वो करता है तो पूरी तरह करता है, क्योंकि उसमें लॉजिक जुड़ा हुआ होता है कि क्यों और कैसे।
इसलिए कोई भी बात जब मैं करने का प्रयास करता हूँ तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये हो सकता है, ये मेरा मापदंड है, मेरा एनालाइजेशन है, लेकिन आपका अनुभव जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उस अनुभवों के आधार पर उसके मूल आत्मा को पकड़िए, ये बाह्य वृत्तियों को नहीं पकड़ने की, उसके जिष्ट को पकड़िए। जिस दिन जिष्ट को पकड़ना सीख जाएंगे ना, उस समय ध्यान में प्रेक्षा ध्यान तो एक वैसी विधा है नौलखा जी, कि जिसमें आज 136 प्रकार की ध्यान की विधियां है, वो 136 के 136 और इसके अंदर है, ऐसी कोई चीज नहीं। मैंने तो बहुत देखा और आपने भी बहुत देखा है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान ने आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वो सारी चीजों को डाल रखा है इसमें, कि जिस व्यक्ति को जैसा सूट करता है वैसा वाला कर ले, कोई मना नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए। कई लोग कभी विपस्सना में जाएंगे, कभी ट्रांजिशनल मेडिटेशन में जाएंगे, कभी प्रेक्षा ध्यान में आ जाएंगे, कभी और जाएंगे। उनका काम क्या है कि घूमते रहो, और जब घूमते रहिएगा 10 जगह कुआं खो दिएगा तो पानी कहीं नहीं मिलेगी। मुझे ये नहीं कहना आप घूम लीजिए, सब घूम घाम के आ जाइए, फिर सेलेक्ट कर लीजिए किस एक को। मैंने कभी किसी को यह नहीं कहा कि परीक्षा ध्यान ही करो, ये मैंने कभी नहीं कहा, जबकि मैं परीक्षा ध्यान से 25 साल से जुड़ा हूँ। हाँ, परीक्षा ध्यान को मैं बताता भी हूँ, लेकिन करना क्या है, कैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बेहतर बनती है, आप उसे करो। उसका जिस्ट क्या है ये समझना आपको है। मैंने बता दिया, चार चीज होने चाहिए। शरीर की स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है, शरीर से स्थिर, वाणी से मौन, वाणी से मौन बोलने से नहीं, अंतर्मौन शब्द आपको याद हो, मैंने अंतर्मौन शब्द पर बहुत चर्चा किया था। अंतर्मौन हो, बाहर और भीतर से मौन हो जाना, यानी विचार शून्यता पैदा होना, मन से शांत, जैसे ही अंतर्मौन होगा मन शांत हो जाएगा, और श्वास की गति मंद। ये कंडीशन जैसे ही बनेगा, चाहे किसी भी विधि से आइए, ये कंडीशन बनना ही है। और जब ये कंडीशन बनेगा तभी ध्यान होगा, चाहे वो परीक्षा ध्यान में हो जाए, चाहे वो विपस्सना से हो जाए, चाहे वो ट्रांजिशनल मेडिटेशन से हो जाए, चाहे वो विश्वास मेडिटेशन से हो जाए, 136 में से किसी से हो जाए, इस बात से कोई इनकार नहीं। कंडीशन तो यही होगा, हर हालत में कंडीशन यही आने है। और इस चीज को जिस दिन आप समझ लीजिएगा, उसी दिन से ध्यान के लिए जो सारे लफड़े हैं, सारे शंकाएं हैं, वो एक क्षण में खत्म हो जाने हैं। हमने बस यही समझा है इतने वर्षों में कि ध्यान कुछ नहीं है, बस उस मूल स्थिति की ओर आ जाने की प्रक्रिया मात्र ध्यान है। हम उस प्रक्रियाओं से इतने परे हो गए हैं, माइंड इतना वंडरिंग में चला गया है कि भाई हम उस तक लौट नहीं पा रहे, वापिस नहीं लौट रहे, अपने घर नहीं लौट पा रहे, बस यही मुश्किल है। घर लौटने की प्रक्रिया सहजता में आ गए अपने आप में, तो ध्यान वहीं से सज जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। लेकिन लोग ध्यान तो कहते हैं, कुछ नहीं करने की प्रक्रिया ध्यान कही जाती है, हम कुछ करने में लगे होते हैं। आप पूछेंगे कि ध्यान कैसे होगा, मैं कहूं बस कुछ ना करो तो ध्यान हो जाएगा। आपको कुछ ना करो, कुछ तो बताओ क्या करो, आपको हमेशा चाहिए कुछ करने के लिए। अरे यार कुछ नहीं करना है, श्वास देखते रहो, कुछ तटस्थ हो जाओ, न्यूट्रल हो, ध्यान वही हो जाएगा, एक क्षण में हो जाएगा, कुछ लगेगा थोड़े। लेकिन क्योंकि इतना अभ्यास हमने बनाया करने की, कि हमें लगता है कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे, बिना कुछ किए ये उपलब्ध है, ये सहज है। लेकिन हमने सहजता को असहजता में पैदा कर दिया है, इसीलिए सारी मुश्किलें हैं। जिस दिन सहजता में आ जाइएगा, हम इतना घुमा फिरा कर आपको वहीं लाना चाहते हैं, उसी सहजता में लाना चाहते हैं जब सहजता होनी चाहिए। तो ये मूलतः ध्यान का है। तो बहुत बहुत खास तौर पे बहुत लोगों ने धन्यवाद बहुत ज्ञापन किया है, सब आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने बड़ा सुना है। और संध्या जी भी है शायद इसमें उपलब्ध है क्या, संध्या जी? हाँ सर, आप जा रही है वहाँ? हाँ सर, जा रही हूँ। ठीक है, बढ़िया, तो जाइए आप लोग वहाँ साधना कीजिए। देखिए अब जितना उपलब्ध करके आएंगे, इतना सारे साधक जब आप लौट के आएंगे सारे कर रखेंगे यहाँ। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं? मेरी तो लड़ाई इस बात से हो रही है सर अब आपसे कि मेरे को क्यों भेज रहे हैं फिर वहाँ। नहीं नहीं, आपको चाहिए वहाँ, चाहिए आपको एक गाइडलाइन चाहिए आपको, और रश्मि जी को खास तौर पे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके अनुभव मेरे पास आए हुए हैं आप लोगों के, तो आपको गाइड चाहिए होगा। हम तो देखिए यहाँ पर कॉमन लोगों के लिए करवा रहे हैं, तो कॉमन लोगों को अभी उतनी गाइड नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया आज आपने, बहुत ही ज्ञान वर्धन किया। तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही चर्चा ही करी। ये हमें कहाँ ले जा रहा है ये हमें बताया सर। हाँ यार राइट, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए ये बेस ध्यान में रखिएगा, और जब साधना करिएगा तो ये बेस ही आप